अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने दो शिमला मिर्च ले लिए हैं, दो गाजर ले लिए हैं, एक छोटी सी बंद गोभी ले ली है, आधा कप मटर है, एक अंडा है, आधा प्याज, एक क्यूब राइस वाला। मैंने एक डेगची ले ली है, उसमें मैंने 10 चम्मचे ऑयल का डाल दिया है। अब हमने आधा प्याज डाल दिया है चॉप हुआ। जब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया उसमें मटर डालेंगे। हमने आधा कप पानी डाल दिया। अब जब तक मटर सॉफ्ट हो जाए 5 से 10 मिनट फिर दिखाते आपको मैं। जो हमारा ये मटर सॉफ्ट हो गए अब इसमें सब्जी डाल दी, बंद गोभी। जब हमने ये सब डाल दिया इसमें सब्जी मिक्स करेंगे इसको। बिल्कुल इजी रेसिपी है ये, कोई भी बॉयल वाले चावल नहीं होंगे इसमें डालेंगे। अब मैं नमक डालूँगी, 1.5 चम्मच मैं नमक डालूँगी, 1 चम्मच काली मिर्च को 1 क्यूब डालेंगे, 2 चम्मच सरके के डालेंगे, 2 चम्मच सोया सॉस के, 2 चम्मच चिली सॉस के। अब इसको मिक्स कर देंगे। जब हमने इसको मिक्स कर दिया अब 1/2 चम्मच चिकन पाउडर डालेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, आप पानी डालेंगे। हमने 3 कप पानी डाल दिया इसमें, जिसमें पानी भी बॉयल आ गया। अब इसमें चावल डालेंगे। हमने 2 कप चावल डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। जब तक हमारे चावल बन जाए तब तक हमने एक फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल डालना है। जब हमने इसमें 1 अंडा डाल दिया अब इसको फ्राई करेंगे। ये हम चावल के ऊपर डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा ये अंडा बन गया है। ये हमारे चावलों का पानी भी सूख गया है। अब जो हमने अंडा फ्राई किया था वो डाल देंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे जी। हमारे ये बन गए हैं जी, हमारे ये तैयार हो गए हैं फ्राइड राइस। ये फ्राइड राइस बन गए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।